आज दिनांक 22 नवंबर 2019 को वर्तमान संविदा व्यवस्था एक अभिशाप के खिलाफ सत्याग्रह पदयात्रा वाराणसी जनपद से संपन्न होने के पश्चात रायबरेली के राही ब्लॉक मुख्यालय से अमाव ब्लॉक तक संपन्न हुई। यात्रा की अगुवाई कर रहे पूर्व सदस्य केंद्रीय मनरेगा परिषद भारत सरकार श्री संजय दीक्षित द्वारा बताया गया है कि यह यात्रा 500 किलोमीटर की होगी, जो 25 से 30 जनपदों का भ्रमण कर 20-25 दिसंबर तक लखनऊ के इको गार्डन में समाप्त होगी। आइए संपूर्ण पदयात्रा का विवरण उनकी इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दें और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए देखते हैं। मैं संजय दीक्षित हूँ, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार का पूर्व सदस्य हूँ। 500 किलोमीटर की पदयात्रा है जो प्रदेश में 25 जिलों में होती हुई लखनऊ पहुँचेगी 20 दिसंबर। मेरी ये जन जागरण पदयात्रा मनरेगा योजना से संबंधित है और विशेषकर इस योजना का जो सबसे अहम कड़ी है, ग्राम रोजगार सेवक जिनको मात्र 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, वो पिछले 1.5 से 2 वर्ष से ये मानदेय बकाया है। आज ग्राम रोजगार सेवकों की परिवार की यह हालत हो गई कि भुखमरी के कगार पे हैं। यह रोजगार सेवक अगर यह उत्पीड़न जारी रहा तो मनरेगा योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं कर सकती। संविदा कर्मियों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, कम से कम न्यूनतम वेतन 18,500 मिलना चाहिए। इनका जो मानदेय है कंटिजेंसी से हटा के इतर इनका एक हेड बनना चाहिए मनरेगा योजना में। मजदूरों को केवल 182 रुपये मजदूरी मिल रही है जबकि मार्केट में 350 रुपये से कम मजदूर नहीं मिलता। मेरी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी से निवेदन है कि 350 रुपये की मजदूरी मजदूरों को की जाए। प्रधानमंत्री जी जब एक भाषण में कहा था कि मनरेगा पूर्व की सरकारों की सबसे अच्छी योजना है, तो क्या उन्होंने उस योजना का पालन नहीं कर पा रही या योजना चल नहीं पा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक नेताओं को अधिकारी लोग दिग्भ्रमित करते हैं। मनरेगा में अगर मजदूर और संविदा कर्मी संतुष्ट नहीं हुआ तो योजना ही नहीं सफल होगी। धन 60,000 करोड़ कर दीजिए चाहे 80,000 करोड़ रुपये सालाना कर दीजिए, लेकिन योजना का लाभ ग्रामीण जनता को पहुंचे वो तभी होगा कि जो व्यक्ति उसको क्रियान्वयन कर रहा है उसका परिवार की दो रोटी की व्यवस्था। नहीं, एक सवाल कि क्या कांग्रेस ने ये योजना लाई थी उस समय योजना अच्छी चल रही थी या चल रही? देखिए, कांग्रेस इस योजना को लाई थी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस ने इन संविदा कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, मोदी सरकार में धन का तो बढ़ोतरी हुई है बजट की, लेकिन कांग्रेस सरकार से भी बुरी स्थिति मनरेगा की पिछले 6 सालों में हुई है। ग्राम रोजगार क्या मांगे आप? हमारी मांगे हैं कि ईपीएफ को कई बार आदेश होने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हमारे पूर्व सम्मानित सदस्य परम श्रद्धेय संजय दीक्षित जी, आपके सम्मानित जिला अध्यक्ष हमारे अनुज भाई सत्येंद्र त्रिपाठी जी, आपके बहुत ही जुझारू महामंत्री भाई का शिक्षित जी और जिनके आयोजन प्रायोजन में हम आज सब लोग यहाँ पर इस पदयात्रा का, ऐतिहासिक पदयात्रा का समापन करने जा रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत ही कर्मठ जुझारू प्रधान संघ अमावा के बहुत युवा अध्यक्ष भाई लक्ष्मीकांत जी नाव से पधारे, हमारे इलौली ब्राक के भाई संतोष कुमार जी, आपका आज इस ऐतिहासिक पदयात्रा में जो हमारे माननीय संजय दीक्षित जी के नेतृत्व में हो रहा है, आप सबका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे तकनीकी सहायक वेलफेयर एसोसिएशन के भाई कपिल देव त्रिपाठी जी हैं, पूरी पदयात्रा में साथ रहे, महाराजगंज ब्लॉक में है और हम दोनों का होना इस बात का प्रतीक है कि आप संघर्ष में अकेले नहीं, आपके साथ हमारा संघर्ष है। अगर तकनीकी सहायक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ है, आपका जनपद अध्यक्ष आपके साथ है, तो आप अकेले नहीं, आपके साथ हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है, हमारा संबल है,
हमारा समर्थन है, हमारा आशीर्वाद है, हमारी शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे आपके जिलाध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बल्कि मैं शुरुआत करता हूं जो हमारे आज के आयोजक हैं प्रधान संघ अमावा के आदरणीय भाई सत्यकांत जी आए और हमारे मुख्य अतिथि माननीय संजय दीक्षित जी का अपने कर कमलों से माल्यार्पण कर भाई से माल्यार्पण करने की भाई जो कि हरदेवपुर विकास खंड के भाई भाई सोनू जी हमारे मेरा उनसे भी अनुरोध है, मेरा अनुरोध है भाई कृष्ण दीक्षित जी से जो उन्नाव से साथी आए हैं उनका भी अभिनंदन करें। धरती पर वो आए हैं, जो उत्साह है जो उमंग है जो जीवट है जो जज्बा है वो आपने पाया गया है। चीज़ों की बातें आती हैं क्योंकि अगर रोजगार नहीं मिलेगा आदमी को तो करेगा क्या। मुखिया भजन हुए गोपाला के लिए अपना कंठी माला, भजन भी तभी लगेगा जब आपके पेट में भोजन होगा। आप मेधावी लोग हो, यूनाइट रहो और संघर्ष करने के लिए तैयार रहो। मेरा संपर्क, हमारा संपर्क, आपका संपर्क, सब मनरेगा मेरा के पुत्र हैं और उनके संतानें हैं, कोई अलग नहीं है। संघर्ष करेंगे, विजेता होंगे और अपना हक ले के रहेंगे। ईएफ की और ईपीएफ तो आप जान लीजिए कि महीने के अंदर मिलने वाला है, मैं गारंटी दूँगा। अभी आज हमारे पता के विजेता से अलग हो गए हैं तो ईपीएफ तो आपको मिलेगा और जैसे ईपीएफ मिलना होगा आपको एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। जैसा कि दीक्षित जी ने भी सदन ने कहा, इनको जानकारी है, कह नहीं रहे हैं, कुछ अधिकारियों ने बताया है कि पदयात्रा पूर्व होते होते ये चीज़ें मिल जाए तो आपका अगर पुराना लाखों रुपए जो बकाया मानदेय है वो भी मिल जाएगा तो बड़ी बात है। उसके बाद समान कार्य समान वेतन का हम भी केस लड़ रहे हैं और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सबके लिए। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत हम लोग का केस है और बिल्कुल निकट है। समान कार्य समान वेतन, आप जिसका कार्य करते हो उसके समान आपको वेतन मिलना चाहिए, सीधी सी बात। उन्हें जो न्यूनतम जो आपने 18,500 दीक्षित जी करें या 24,000 आपने कहा है कि भाई मजदूरों को वो मिलना चाहिए, हम सीधी सी बात है, उसके ऊपर की बात करो, उसके नीचे की बात नहीं करना है। तो आप सब यहाँ पधारिए, अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ये सच है कि 24 घंटे का भी समय मैंने सत्येंद्र त्रिपाठी जी को नहीं दिया था इस आयोजन का, और जिस तरह पूरे रायबरेली जनपद से हर ब्लॉक के साथी मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है किसी ब्लॉक के ज़्यादा हों लेकिन प्रतिनिधित्व पूरे ज़िले का है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा सत्येंद्र त्रिपाठी, कृष्ण दीक्षित हों चाहे और साथी हों, ये सबका मिला जुला ही प्रयास हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। एसपी मिश्रा साहब का मैं इसलिए इस प्रदेश में विशेष सम्मान करता हूँ कि हमारी इनकी संपर्क का लगभग 7-8 साल हो गए और दिल्ली से लेकर जहाँ भी मैंने जब कभी मनरेगा के लिए कोई भी संघर्ष आंदोलन किया तो एसपी मिश्रा साहब अपने साथियों सहित प्रदेश के मेरे साथ पहुँचे, मेरे पास पहुँचे, मेरा मनोबल बढ़ाया। लेकिन आज मैं एक बात, आप लोगों की जो लगन है और आप लोग का जो सिंसियरिटी है उसको देख के एक बात कह सकता हूँ कि जो सफलता मिलेगी उसमें रायबरेली जनपद का बहुत अहम रोल होगा। और इस जनपद में मैं इसी कार्यक्रम के दौरान दोबारा भी आऊँगा, 10 दिन का समय दे के आऊँगा। जैसे मैं आज बता दूँ कि बहुत से जनपद हैं, बहुत से साथी बहुत उत्साहित हैं, सुबह से शाम तक मेरे पास फोन आता है, लेकिन जितना एकजुटता और सभी संवर्ग के सभी रोजगार सेवक तकनीकी सहायक सब लोग में जो एकजुटता है शायद और जनपदों में मुझे नहीं दिखी। और जो बातों से पता लगता है कि किसी जिले से फ़ोन आ रहा है कि आप यहाँ आइए, किसी ने कहा कि आप यहाँ नहीं इस ब्लॉक में आइए, आप उसके यहाँ मत जाइए, लेकिन ऐसी चीज़ मुझे रायबरेली में कहीं नहीं दिखी। नहीं नहीं है, तुम लोगों में एकजुटता है। और मैं एक बात बता दूँ
आज दूसरा जिला है, आपका मानदेय मिलेगा ये सबसे छोटी चीज मैं दिलाऊंगा आपको, बकाया मानदेय सबसे छोटी चीज आपको दिलाऊंगा, इससे कहीं बड़ी चीजें मिलने वाली है। आप लोग एकजुटता रखिए और अपने ग्राम पंचायत के मजदूरों को जरूर अपने साथ रखिए, वही तुम्हारी ताकत है। वो ताकत का अनुभव अभी सरकार को कराना होगा एक दो बार, और आप लोगों को लखनऊ हमें नहीं बुलाऊंगा कि आपका 400-500 हजार रुपए खर्च हो। हम आपके, मैंने कहा था कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन मैं तुम्हारे जिले में हूँ तो 4 से 5 घंटे अगर दे दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि लखनऊ दिल्ली में आने जाने में रहने में पैसा भी खराब होता है, समय भी खराब होता है, और आपके लोकल अधिकारियों को भी अच्छा नहीं लगता कि ये मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये मेरी यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, बहुत से जिलों में कहा कि आप परमिशन लीजिए, मैंने कहा परमिशन नहीं जरूरत है, परमिशन तब जरूरत है जब हमें धरना प्रदर्शन करना होगा। हम सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करे तो भाई परमिशन ले, हम तो योगी जी के सम्मान में यात्रा कर रहे हैं कि आप जानिए तो ये रोजगार सेवकों का क्या हाल है। और मुझे खुशी है बनारस में भी और रायबरेली में भी जिला प्रशासन ने हम लोग की सुरक्षा में हमारे साथ है, नहीं बाधा नहीं, वो हम लोग की सुरक्षा में हम लोग को आशीर्वाद देने हम लोग के साथ है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये समापन है, आज मैं रात में उन्नाव पहुंच जाऊंगा, कल उन्नाव के साथियों ने बहुत अच्छा, जैसा कि बता रहे हैं कि उन्होंने पदयात्रा का रूट तय किया है, वहां मुझे पदयात्रा करनी है, उसके बाद मैं बुंदेलखंड निकल जाऊंगा। मैं क्योंकि 500 किलोमीटर चलना है और कुछ जनपदों में 10-12 किलोमीटर ही पदयात्रा हो पा रही है, तो 25 से ज़्यादा जिले हो जाएंगे, लेकिन 500 किलोमीटर का संकल्प मैंने लिया है तो जनपद बढ़ जाए लेकिन 500 किलोमीटर यात्रा पूरी हो। और इस यात्रा के पहले ही जो मेरा दिल कह रहा है तुम लोग को बेहतर चीजें मिलेंगी, खत्म होने से पहले मैं बता दूं, उच्च स्तर पे अधिकारी हों चाहे सभी राजनीतिक दलों के नेता हों, मैंने एक बात कह दी है चलने से पहले, ध्यान से सुन लीजिए आप, आज की तारीख में मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं, मैं मनरेगा का एक सिपाही। मैंने सभी राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल सबसे कह दिया है कि मैं बिकने को तैयार हूं, तुम मेरी बात मान लो और जो तुम कहोगे मैं वो कहूंगा संविदा कर्मी। आप हमारी जो मनरेगा के संविदा कर्मी हैं उनकी समस्याएं हल कीजिए, उसके बाद आपको जो सौदा करना हो कर, तो मेरा कोई दल नहीं, मेरा वो दल है जो हमारी बातें माने। इसलिए आप लोग भी मन में जाति धर्म और राजनीतिक बातें मत कीजिए कभी भी इस आंदोलन में कि मैं सपा का हूँ, मैं बसपा का हूँ, तुम कांग्रेस के हो, तुम भाजपा के, हमारा वो दल है जो हमारी समस्याएं, संविदा कर्मी मजदूरों के समस्याएं दूर करेगा, उसी के हम जिंदाबाद बोलेंगे, वरना 50 लाख जॉब कार्ड धारक हैं इस प्रदेश में, 50 लाख परिवार गुणा 4, 2 करोड़ मजदूर और 40 हजार कम से कम संविदा कर्मी हैं, गुणा 4, 2 लाख संविदा कर्मियों का परिवार, जो भी सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, हम अहिंसक तरीके सत्याग्रह उस स्तर पे पहुंचाएंगे, इनको बाध्य करेंगे कि हमारी ये बातें माने। ये मैं अंत की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है। इसलिए जिस तरह आप लोगों ने हिम्मत करके ये किया है, आप लोग तैयारी कीजिए, आने वाले समय में भी हो सकता है आप लोग को एक दिन देना हो अपने ही दल पर, कहीं बाहर नहीं, तब समय भी होगा और वो प्रोग्राम भी केवल सरकार को बताना होगा, तुम हमारा उपयोग करना चाहो तो कर लो। हमारा प्रस्ताव है सरकार को, आप हमको गोद ले लीजिए और
अगर आप हमें वोट नहीं लोगे तो यह अनाथ पहला अनुरोध निवेदन परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम लोग का रहेगा। इस यात्रा में हम उनसे मांग कर रहे हैं कोई भी मुर्दाबाद नहीं लगेगा, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं, हमें अपनी बात रखनी है और उनको बताना है कि संजय दीक्षित अकेला नहीं है, उसके साथ 37-40 हज़ार संविदा कर्मियों की परिवार की दुआएं बिना एक रुपया खर्च किए आज की तारीख में मुझे मालूम है कि राजनीतिक दल अगर 100 लोगों की व्यवस्था करते हैं तो 10-20-25 हज़ार रुपए का खर्चा करते हैं। तो ये जो समूह है, मैं चाहता हूँ राजनीतिक दल इसके राजनीतिक फायदे का भी स्वप्न देखें, यही असली जो हमारे तुम्हारे संगठन में क्या प्रॉब्लम है। आपके संगठन के नेता पहली बात तो आपस में सुबह शाम तक मां बहन करते हैं, चार चार संगठन हैं। दूसरी बात, जब अधिकारी के सामने जाते हैं तो उनको लगता है कि इसने हमें चाय और बिस्कुट खिला दिया, हम जीत गए। तो इसलिए, और वो मेरे सब प्रिय हैं, मतलब जितने अध्यक्ष हुए हैं रोजगार सेवक संगठन के, सब मेरे घर आके मेरे पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हम लोग साथ बैठते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि संजय दीक्षित रोजगार सेवकों के बीच में जाए, क्योंकि मैं सही बोलता हूँ कि ये नाकारा जो लीडरशिप है प्रदेश की, उसके कारण तुम्हारे संवर्ग का हित नहीं हुआ है, तुम्हारे संवर्ग का हरदम निजी लाभ के लिए सौदा हुआ। मैंने फिर से कहा है अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, अब ये बताओ हमें, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मिश्रा जी एक बात बताइए, हर जिले में रोजगार सेवक मेरे साथ है लेकिन किसी नेता की हिम्मत नहीं खुल के एक शब्द कहते कि संजय जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक नेता बता दो, आप लोग सब नाम जानते हो कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका, उनको जबकि मेरे मन में उनके प्रति पूरा प्यार है, लेकिन पता नहीं क्यों भयाक्रांत हैं वो इस पदयात्रा से। इसलिए आप लोग ये, और आपका जब कुछ भला होगा तो मजदूर से लेकर सभी एपीओ तक सबका भला होगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप तो रोजगार सेवक की बात कर रहे हैं, ना एपीओ की, ना टीए की, ना कंप्यूटर ऑपरेटर की, ना सोशल ऑडिट ऑपरेटर की। अरे हमने कहा ये बता दो सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है, इस कड़ी में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो वो तो रोजगारी सेवक है। तो जो सबसे ज्यादा दुखी है उसकी बात करें कि हम तुम्हारी बात करें भी, या बता दो 2 साल से कौन से पीए या कंप्यूटर ऑपरेटर या एपीओ को तनख्वाह नहीं मिली, किसकी बकाया है, लेकिन इन्हीं गरीबों की बकाया है। तो कौन सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, तो रोजगार सेवक है। मैं खुले मन से पदयात्रा में हूँ और आज लाइब्रेरी में जो प्यार तुम लोगों ने दिया मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। 1 महीने के अंदर यात्रा खत्म होने से पहले एक बार फिर से लाइब्रेरी आऊँगा। धन्यवाद।